खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल, मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित की गई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बैठक के बाद कैबिनेट में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा और नगरीय निकाय मंत्री जयवर्धन सिंह ने बताया कि उद्योगों को जमीन रियायती दर पर देने सहित कई सुविधाएं देने का प्रस्ताव पारित किया गया है। विकास प्राधिकरणों से जमीन वापस लेकर किसानों को लौटाई जाएगी। जिन जमीनों का उपयोग नहीं हुआ वो वापस ली जाएंगी। 84 प्रोजेक्ट और 66 स्कीम की जमीन किसानों को वापस लौटाई जाएगी। बैठक में करीब 22 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। इस कैबिनेट बैठक में उद्योग जगत के लिए बड़े फैसले लिए गए, साथ ही लैंड पुलिंग पॉलिसी के तहत नए निर्णय लिए गए। बैठक में औद्योगिक भूमि भवन प्रबंध नियम को भी मंजूरी दे दी गई, साथ ही औद्योगिक जमीनों को छूट देने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी गई है। जमीनों के मामले एक स्पेशल पॉलिसी आज कैबिनेट ने अप्रूव की मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में, जिसके बारे में डिटेल में आदरणीय जयवंत सिंह जी और आदरणीय संजय दुबे जी ये दोनों बताएंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके एक एक पहलू पे आपको जानकारी देंगे, और मैं समझता हूँ कि ये मध्य प्रदेश के इतिहास में ये एक सबसे बड़ा संशोधन आज कैबिनेट ने किया है, जिसमें जो एक्टिविटी एक तो जो बंद हुई थी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और आर्थिक एक्टिविटी जिससे ऊपर से लेके जो मजदूर तक को एम्प्लॉयमेंट मिलना था वो एक तरह से रुद्ध हो गया था, बंद हो गया था, उस सबको एक मौका मिलेगा, और मैं समझता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। और दूसरा, जो ज़मीनें अलग अलग अथॉरिटीज़ ने अपने नोटिफिकेशन किए थे उन सब का सरलीकरण इसमें होगा। आदरणीय जयवर्धन सिंह जी, आपका स्वागत है।